हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो आप लोग की प्रैक्टिस सेट चल रही थी उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और पेपर में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते आप लोग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है, कौन से खेल में बटरफ्लाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बटरफ्लाई खेल जो शब्द है, इसमें कौन से खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा तैराकी में। किसमें किया जाता है? तैराकी में इस शब्द का जो है बटरफ्लाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आप लोग को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़ीसा में 9 वर्ष का त्यौहार किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा महाविश्व संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का बाहरी ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है सौर परिवार का बाहरी ग्रह है। आप लोगों को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? प्लाज्मोडियम में जो क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है ये गहरा नीला होता है। राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। ठीक है, आप लोगों को बताऊँ राज्य का, ठीक है, राज्य का विधान जो उच्च सदन होता है विधान परिषद होता है। आगा खान कप जो है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। आगा खान कप जो है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। आप लोग से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे आगा कप कप जो है ये किससे संबंधित है? हॉकी से। तो आप लोग बताइए, दलीप ट्रॉफी किससे संबंधित, दलीप ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हम्पी उत्सव कर्नाटक से संबंधित है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो चलिए बता दीजिए, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? बहुत चर्चा में है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र बताना है, यानी H2CO3। सातवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य कितना था? 5.0। उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? 2019 में। आई होप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में, जहाँ तक सब इंजीनियर एग्जाम में पूछा जा चुका है। उपभोक्ता एक्ट 2019 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम के कारण जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरोराग किस देश के थे? किस देश के थे? अमेरिका थे। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे नार्मन बोरोराग हरित क्रांति के जनक थे, किस देश के हैं? अमेरिका से। आप लोग से पूछ लिया जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नार्मन बोरोराग जो है हरित क्रांति के जनक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुलदेई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। आप लोगों में बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी महोत्सव है उत्सव है एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एक महोत्सव त्यौहार ये जरूर आप लोगों के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, कि कौन से राज्य का कौन सा त्यौहार है, कौन सा नृत्य है और कौन सा मेले कहाँ पर लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार असम वैभव 2022 किसको दिया गया है? ये तपन सैकिया को दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण का विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बांस नृत्य जो है मिजोरम में मनाया जाता है। बांस नृत्य जो है मिजोरम से संबंधित है। अगला है, 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है नीति आयोग। ठीक है, आप लोग से पूछ लिया गया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और ये भी ऐसे क्वेश्चन में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया था? नीति आयोग रखा गया है, आप लोग को याद रखना है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले क्या थी? ये थी राजगृह। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समाज की स्थापना 1867 में हुई थी? यहाँ पे 1867 होगा। ठीक है, 1867 ये हुई थी प्रार्थना समाज की। अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ पर खेला गया था? वेस्ट इंडीज में खेला गया था। अमृत मिशन किससे संबंधित है? नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमृत मिशन, अमृत
नियमित पानी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विधानसभा में अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा में अध्यादेश जारी किया जाता है। नेट यम एन एन पी का फार्मूला क्या होता है? एन एन पी बराबर जी एन पी माइनस मूल्यह्रास होता है। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? धातु शोधन उद्योग है। कैसा है? धातु शोधन उद्योग है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मैं से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को यह वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।